Would you know vision is getting sick, please help. साढ़े पाँच बजे उठती हूँ एंड देन आई गेट रेडी बिकॉज आई हैव टू रीच बाई 8 टू द हॉस्पिटल सो आई स्टार्ट फ्रॉम होम अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग. वी हैव टू कम हियर एंड चेंज एंड सो वी पिक अप अ ड्रेस फ्रॉम लॉन्ड्री गो टू चेंजिंग रूम चेंज अ ड्रेस एंड देन गो टू अ कंसर्न यूनिट्स. आई नीड टू कम्प्लीट माई साइड असाइनमेंट्स देन आई गो टू टेक हैंड ओवर फ्रॉम द प्रीवियस नर्स. I'm not able to leave from office to home on time. कभी कभी 2 बजे के शिफ्ट में हमें 3 भी बज जाते हैं 3:30 भी बज जाते हैं 4 भी बज सकते हैं. जब नाइट शिफ्ट की बात आती है तो इट्स वेरी वेरी हैक्टिक बिकॉज वी वर्क फॉर 12 आवर्स ए फ्रॉम 8 PM टू 8 AM नेक्स्ट डे तो वो थोड़ा हैक्टिक हो जाता है बट somehow वी मैनेज. या एट माई होम माई हस्बैंड मी एंड किड्स आर देयर and in-laws not very I'm sorry. My husband is there and he's extremely supportive and that is why I've been able to continue my job after having my kids also. Even though there was a family pressure ki ab bacche ho gaye hain ab chhod do job take a break look after them but he supported me and that is how I'm a part of nursing profession as of now. Yeah, he's my husband, my eldest son, my youngest son and myself. Definitely haan lagta hai aisa pressure you know mujhe lagta hai ki this is a male dominating world. Kaam bhi dekhna hai bachcho ko bhi dekhna hai husband ko bhi dekhna hai एंड यू हैव टू मैनेज एनी हाउ. कभी कभी लगता है कि मेल्स को होया ये कम्फर्ट कि उन्हें घर कंपेरेटिवली वुमेन से थोड़ा कम देखना पड़ता है. हेलो मैम हाउ आर यू डूइंग. मेरे प्रोफेशन में मैं इंजॉय करती हूँ यू नो व्हेन यू आर लुकिंग आफ्टर पेशेंट्स व्हेन यू आर लुकिंग आफ्टर अ पर्सन हु इज़ सिक हु इज़ नॉट वेल. आपने बनाया कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे? 3, 1. छुट्टियों की बात आती है तो थोड़ा सा कभी कभी बुरा लगता है यू नो आपको उतना कंफर्ट नहीं मिलता. लाइक यू नो व्हेन यू लुक एट टीचिंग जॉब आपको समर वेकेशंस भी मिलते हैं आपको विंटर वेकेशंस भी मिलते हैं यू गेट और यू नो लीव्स एंड लाइफ इज आई वुड से थोड़ी उनकी आसान होती है. बुरा भी लगता है कि काफ़ी पेशेंट्स के यू नो डिजीज़ कंडीशन ऐसी होती है कि हम कितना भी कर लें बट यू नो वी नो दैट एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू लूज देम. वन ऑफ माई पेशेंट हु वॉज वेरी यंग एंड वी न्यू दैट यू नो पेशेंट का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था दैट पेशेंट डिड नॉट सर्वाइव. चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि प्रोग्नोसिस इतना ख़राब था पेशेंट का. बहुत सारे पेशेंट्स से अटैचमेंट हो जाती है बट येस दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जॉब.